महुदा के गोलघर स्थित रेलवे कॉलोनी में सरस्वती पूजा के अवसर पर एक सुंदर दृश्य से पूजा पंडाल बनाया गया, जिसमें विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना बड़े ही सादगी पूर्वक मनाया गया। साथ ही बसंत पंचमी के दूसरे दिन प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, जिसमें छोटे बच्चों के अलावा बड़े बच्चे भी नृत्य में भाग लिया। नृत्य के अलावा कैंडल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें एक ही माचिस की तिली से जो भी सबसे अधिक कैंडल जलाएगा विजय उसी की होगी। इस कैंडल प्रतियोगिता में महिलाएं एवं छोटी लड़कियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में महुदा क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य, सह जनता मजदूर संघ के केंद्रीय संगठन सचिव एवं बीजेपी के युवा नेता संतोष महतो जी थे, जिन्होंने कहा कि इस छोटे से इलाके में इस तरह का कार्यक्रम को देखकर अच्छा लगा। इसमें छोटे छोटे बच्चों द्वारा जिस तरह से नृत्य किया गया है वह देखने लायक था, और हमें गर्व है कि हमारे क्षेत्र के बच्चों में भी इस तरह का हुनर छुपा हुआ है, जिसे देखकर बहुत अच्छा लगा। और इस कार्यक्रम को इतना अच्छा एवं शांतिपूर्ण तरीके से समापन किया गया, जिसके लिए आजाद छात्र समिति को बहुत बधाई तथा इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए आजाद छात्र समिति के सभी सदस्यों को मेरे ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। इस नृत्य कार्यक्रम में पहला स्थान अनुष्का कुमारी, दूसरा स्थान शिल्पी कुमारी एवं तृतीय स्थान आयुषी कुमारी को प्राप्त की, और कैंडल प्रतियोगिता में पहला स्थान पिंकी, दूसरा स्थान मीना एवं तृतीय स्थान आयुषी ने प्राप्त की। ये आजाद छात्र समिति का कार्यक्रम था जो गोलघर में निर्धारित हुआ, ठीक है। और यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था, देखा जाए तो बहुत बड़ा कार्यक्रम था। और ये कार्यक्रम जो इन्होंने सकारात्मक ढंग से किया और शांतिपूर्ण किया, और जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे कलाकार थे उन्होंने जब अपना प्रदर्शन किया, खैर दोनों का ही मेहनत काफ़ी अच्छा था। और मैं उन बच्चों को जो हारे उनको भी मैं मतलब शुभकामना देता हूँ, और जो जीते उनको भी ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। ये एक सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया था, और ये कार्यक्रम ये जो बच्चे लोग किए आज काफ़ी सराहनीय है, मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले दिन में ये अच्छा करें, बेहतर करें, मैं इसकी शुभकामना करूँगा, और मेरा सहयोग इन लोगों के पीछे हमेशा था, है और रहेगा। बहुत